इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवादों के दौरान भारत ने आखिरकार संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में एक ठहराव लिया और संतुलित बयान दिया। 2016 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इसराइल संबंध बहुत करीबी रहे हैं। वो 2017 में इसराइल की यात्रा करने वाले और लंबे समय से चल रहे रक्षा संबंधों को बनाए रखने वाले अकेले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिसके चलते भारत की इस मामले पर राय काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। मध्य पूर्व तनाव की स्थिति पर एक बारीक बयान में भारत ने फलस्तीनी कारण और दो राष्ट्रीय समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का समर्थन करते हुए इसराइल में नागरिक आबादी को लक्षित करने के लिए गजा से हमस द्वारा अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने गजा से हुई रॉकेट फायरिंग की निंदा करते हुए फलस्तीनों के अधिकारियों का भी समर्थन किया है। अंत में भारत ने न्यायोचित फलस्तीनी मुद्दे और द्विराष्ट्रीय समाधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया। भारतीय टिप्पणी के अनुसार दोनों पक्षों को सुलह के सहारे हिंसा को खत्म करना चाहिए, जबकि भारत खुद पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद का शिकार रह चुका है।